हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किरण्स कुकिंग जोन। आज मैं आपके लिए स्पाइसी कॉर्न मसाला की रेसिपी लाई हूँ। इसको बनाने में बहुत ही सिंपल और कम इंग्रेडिएंट का यूज़ होता है। ये झटपट बन जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप फ्रेश कॉर्न के दाने लिए हैं। आपके पास अगर फ्रेश कॉर्न नहीं है तो आप फ्यूजन कॉर्न को भी ले सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैंने यहाँ पर सिंपल कॉर्न के दाने लिए हैं, जिसे हम भुट्टा भी कहते हैं। इस रेसिपी को स्वीट कॉर्न से भी बना सकते हैं। कॉर्न को बॉईल करना है तो मैंने भगोने में कॉर्न के दाने डालने के बाद इसमें इतना पानी डाल दिया है कि दाने हमारे इसमें अच्छे से डूब जाएँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक। इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 8 से 10 मिनट के लिए ढककर मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, इसे मैंने बीच बीच में चलाते हुए पका लिया है। आप देख सकते हैं इसका रंग पहले से अधिक डार्क भी हो गया है। इसे चेक कर लें, देखिए ये नरम हो जाने चाहिए। अब गैस बंद कर देंगे और इसे स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। अब एक पैन गरम करेंगे और इसमें कॉर्न और 2 छोटे चम्मच बटर डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। बटर का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अब इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस इतना ही पकाएंगे कि बटर मेल्ट होकर कॉर्न के ऊपर कोट हो जाए। देखिए बटर अच्छे से कोट हो गया है, इसके ऊपर एक अच्छी सी शाइन भी आ गई है। गैस बंद कर देंगे और इसे गर्मा गर्म एक बाउल में सर्व कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये कम तीखा होता है और इसके पर इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच सफ़ेद नमक। नमक ध्यान से डालेंगे क्योंकि कॉर्न को बॉईल करते समय हमने इसमें नमक डाला था और चाट मसाले में भी नमक होता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नींबू का रस। मसाले आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब थोड़ी कटी हरी धनिया और कटी हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्पाइसी टेस्टी चटपटा कॉर्न मसाला तैयार है। ये झटपट बन जाता है, इसे सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसे आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं ऐसी सिंपल और टेस्टी रेसिपी अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।